नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। किर्गिस्तान में तुर्की का कार्गो प्लेन बोइंग 747 क्रैश, 32 लोगों की मौत, कई जख्मी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। भारत की जेलों में 135 पाकिस्तानी मछुआरे कैद। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में दी जानकारी। 2016 में छोड़े गए थे 9 पाकिस्तानी मछुआरे। सांस्कृतिक और जातीय विविधता को दर्शाने के लिए अमेरिका ने उठाया कदम। अमेरिकी सिक्के पर पहली बार अश्वेत लेडी लिबर्टी को लगाया। यूनाइटेड स्टेट्स मिंट की 225वीं वर्षगांठ के मौके पर आम जनता के लिए जारी किए जाएंगे नए सिक्के। ब्राजील की जेल में कैदियों के दो गुटों के बीच जमकर मारपीट। मारपीट में कैदियों ने एक दूसरे के सिर काटे। 26 लोगों की मौत, 30 से भी ज्यादा लोग घायल। अफगानिस्तान के नांगरहार प्रांत से आईएस ने 14 शिक्षकों को किया अगवा। मदरसे में विद्यार्थियों की परीक्षा ले रहे थे शिक्षक। मामले की जांच में जुटी पुलिस। ब्रिटिश चांसलर फिलिप हेमंड ने यूरोपीय संघ को दी चेतावनी। कहा, बाजार सुलभ समझौते से पीछे हटे तो आर्थिक मॉडल को कॉरपोरेट टैक्स हेवन में करेंगे तब्दील। दो तरफा आधार पर एक नई व्यवस्था पर जताई सहमति। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीपी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।